सिख समाज के प्रतिष्ठित संस्थान श्री गुरु सिंह सभा के चुनावों का माहौल बनने लगा है। इस बार चुनाव के चलते नित नए फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान अध्यक्ष मनजीत सिंह भाटिया को इस बार प्रसिद्ध उद्योगपति मोनू भाटिया टक्कर देने के लिए मैदान में आ गए हैं। इसी कड़ी में मोनू भाटिया और उनकी टीम ने युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए बड़े पैमाने पर करियर काउंसलिंग शिविर लगाने की बड़ी योजना का ऐलान कर दिया है। देखिए श्री गुरु सिंह सभा के चुनावों को लेकर एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। श्री गुरु सिंह सभा के चुनावों का बनने लगा माहौल। वर्तमान अध्यक्ष मनजीत सिंह भाटिया को टक्कर देने मैदान में उतरे मोनू भाटिया। प्रसिद्ध उद्योगपति मोनू भाटिया लगाएंगे करियर काउंसलिंग शिविर। सिख समाज के युवाओं को लुभाने की है रणनीति। सिख समाज की प्रतिष्ठित संस्था श्री गुरु सिंह सभा के चुनावों का माहौल अब शबाब पर आने लगा है। इसी क्रम में उद्योगपति मोनू भाटिया ने गुरु अमरदास हॉल में एक बड़ी बैठक आहूत कर सिख समाज के युवाओं और हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए बड़े पैमाने पर करियर काउंसलिंग शिविर लगाने का शंखनाद कर दिया है। मोनू अपने विजन को अब संपूर्ण समाज के सामने रखने के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सिख एजुकेशन अवार्ड्स 2023 आयोजित करने की भी योजना बनाई है। उनका मानना है कि समाज की प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने के लिए करियर काउंसलिंग बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी हमारे बच्चे जो 10th और 12th में 2023 में 75% से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं, हम लोगों ने पहले सोचा था कि पहले इनको बुला के हम लोग एक तरीके से प्रोत्साहन देंगे और इनके लिए हमने मेडल्स वगैरह का ऐसा अरेंजमेंट करा कि एक बच्चों को थोड़ा सा कम से कम ऊपर से वो प्रोत्साहन मिल जाता है, आगे बच्चा अप्रिसिएशन लेके आगे निकलता है। फिर धीरे धीरे करके हमने पहले प्लानिंग करी कि जितने हमारे सिख टीचर हैं ऑल ओवर इंदौर, भले वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हों, वो सारे टीचर्स को हम लोगों ने इकट्ठा करा और करीब करीब 450 टीचर्स हो गए हैं जो सिख टीचर्स हैं, उसमें 70% तो महिलाएं हैं। तो इन सबको हम लोगों ने अभी इकट्ठा करके उनको भी हम लोग यहाँ पे पूरा सम्मान देंगे, यहाँ पे उनको भी पूरा और आगे उनको हम लोग MPCC हमारी केंद्रीय सिख सभा की एक एजुकेशन विंग बना रहे हैं जिसमें हम लोग सबको मेंबर लेंगे और समय समय में जितने बच्चों के लिए जो भी काम रहेंगे वो हम लोग इनसे मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एजुकेशनिस्ट लोग हैं तो इनसे जितना हम लोग समझ सकेंगे, इनसे चीज़ें समझ के हमको काम एजुकेशन पर करना है आगे, तो इसके हिसाब से हम इनके साथ लेकर चलेंगे। हमने इसके बाद क्या करा कि हम लोगों ने जो करियर काउंसलर है अभी इंडिया की नंबर वन काउंसलर डॉक्टर अमृता दास है, वो लोग अपनी टीम के साथ 10 लोगों की टीम है उनकी, 11 लोग टोटल वो आ रहे हैं 18 तारीख को सुबह 10 बजे से चालू करेंगे वो पूरा, बच्चों को 1-to-1 काउंसलिंग होगा। और ये हम लोगों ने वर्ल्ड रिनाउंड सबसे मतलब इंडिया का टॉप लेवल हमने अपने बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करा दिया। बच्चों को यह है कि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, उनको कितना फ़ायदा लेना वो लोग आगे उससे ले सकते हैं। तो जिसको बाहर जाना है, लंदन में पढ़ना है, कनाडा पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है, वो सारी जितनी भी सुविधाएं जो अवेलेबल है, गवर्नमेंट की स्कीम्स अवेलेबल हैं, वो सारी वो गाइड करेंगी। बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा पहले ऑनलाइन, वो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के उसको देखते हुए फिर आगे वो पूरा उसको गाइड करेंगे और पूरा बताएंगे। इसके अलावा फिर हम लोगों ने अभी जितने हमारे सिख टॉप कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया, जैसे हम लोग अभी खालसा कॉलेज मुंबई से हम लोगों ने उनके प्रिंसिपल को बुलाया है और खालसा कॉलेज अमृतसर से आ रहे हैं, और भी बहुत सारे कॉलेज है, अपना माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहब है, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला है, जगत गुरु नानक देव ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला है, माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली है फॉर वुमेन जो है पूरा, ये सारे कॉलेजेस बहुत बड़े बड़े कॉलेज है। गुरु गोविंद सिंह जी कॉलेज ऑफ कॉमर्स प्रीतमपुर है, गुरु नानक कॉलेज लुधियाना है, ये 150 एकड़ में बना हुआ है। ऐसे सारे हमारे टॉप कॉलेज जितने हैं इनके सबके प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, उनका पूरा स्टॉल लगेगा यहाँ पे, उनके क्या क्या कोर्सेज हैं वहाँ पे वो पूरे बताए जाएंगे। और जितना सिख कोटा है, हर कॉलेज में हमारे सिख कोटा होता है जो अभी यहाँ पे हमारे बच्चों को पता नहीं है, हमारी कोशिश रहेगी कि उनको एक एक चीज़ का नॉलेज मिले, जहाँ पर हमारे कोटा अवेलेबल है तो हम लोग बच्चों को वहाँ भेज सकें, क्योंकि उनको सस्ता भी पड़ता है और क्वालिटी एजुकेशन भी मिलता है। तो ये हमारा पूरा इसमें प्लानिंग रहा है अभी तक। देश की जानी मानी काउंसलर डॉक्टर अमृता दास इस करियर काउंसलिंग शिविर के लिए अपना मार्गदर्शन देंगी। केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के सचिव सुरजीत सिंह टुटेजा का कहना है कि सिख समाज के स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन देने के मकसद से ये बड़ा आयोजन पेरेंट्स की राय के साथ किया जा रहा है। बच्चे होते हैं ग्रोइंग एज वाले जो बच्चे रहते हैं, ये समाज के जो बच्चे भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए शिक्षा एक सबसे उत्तम साधन,
और उसके लिए शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय सिंह सभा प्रतिबद्ध है बच्चों के लिए, और ये आयोजन जो है पूरा का पूरा बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष तौर से केंद्रित करके किया गया है। कारण टाइम स्लैब आता है बच्चों का, जब एक उम्र आती है कि फिफ्थ की एज पर उसको क्या डायरेक्शन में जाना है, एट्थ क्लास जब वो करता है तब हम किस तरफ जाना है, और जब वो कॉलेज लेवल पर या बड़े लेवल पर आता है तो उसके किस तरीके से उसको कैरियर बनाने के लिए समझाइश दी जाए। माँ बाप भी अभिज्ञ रहते हैं कई कई बार, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय सिंह सभा का जो एक टारगेट है कि हेल्थ और एजुकेशन को हम फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये 18 जून का जो प्रोग्राम एक माइलस्टोन है, ना सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे ही हिंदुस्तान में। जब भी इस तरीके का अनूठा आयोजन सिख समाज में कभी भी नहीं, माइनॉरिटीज़ के लिए इसमें जो माइनॉरिटी कमीशन्स की हमारी स्कीम्स हैं वो सिख कम्युनिटी में अभी तक उसके लिए अवेयरनेस ही नहीं है, उसके लिए पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या क्या स्कीम्स शिक्षा के क्षेत्र में अवेलेबल हैं या हेल्थ के क्षेत्र में अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सब्सिडी दी जाती है या किस किस चीज़ों में हमें स्कॉलरशिप या बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इस बारे में हमें पता भी नहीं है। तो वो उनका भी एक स्टॉल लगाकर सारी की जो माइनॉरिटी की हमारे लिए सुविधाएं हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। LIC के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, तत्काल काउंटर पर ही नौकरी देने का हमारा प्रोविज़न रखा गया है। सो ये बहुत ही बड़ा कैरियर फेस्ट है। सब बच्चों से मैं अपील करूँगा सिख समाज के कि माताएँ बहनें अपने जिस भी लेवल पर हैं, इतने सारे कॉलेज आ रहे हैं, जिस भी लेवल पर वो हैं, जिस प्रोफेशनल स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, IAS IPS की तरफ जाना चाहते हैं, डॉक्टरिंग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या और कहीं फोकस है, सारी सुविधाएं कॉलेजेस की यहां पर अवेलेबल हो रही हैं। जबकि पेरेंट्स ने भी इस पहल को भविष्य के लिए सकारात्मक कदम करार दिया है और टीचर्स के सहयोग से किए जा रहे इस आयोजन को मील का पत्थर बताया है। हमने जो ये प्रोग्राम रखा है बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली रखा है सिख कम्युनिटी वाले बच्चों के लिए, और इसमें 10 बहुत मेजर कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं जिसके टीचर्स भी हमने लिए हैं। 450 टीचर्स हैं जिसमें से 70% लेडीज़ टीचर्स हैं, और बच्चों को हमने आगे रखने की कोशिश करी है इसमें, और जो जिन्हें 75-80% अबव मार्क्स मिले हैं उन्हें भी हम अच्छी तरह से फैसिलिटेट करेंगे बच्चों को, और टीचर्स को भी हमने करना है। और बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज इसमें बच्चों के लिए काउंसलिंग होगी, 1-to-1 काउंसलिंग भी होगी, तो बच्चों को पता चलेगा कि किस फील्ड में वो अपना ज़्यादा योगदान दे सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को भी हम ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। कुल मिलाकर श्री गुरु सिंह सभा के चुनावों से पहले अब विजन और मिशन सामने आने लगे हैं, और केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह भाटिया और रिंकू भाटिया में घमासान जोरदार होने के आसार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।